हर हर महादेव। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मनाली का सबसे आखिरी गांव कोठी विलेज के सफ़र में। अगर आप मनाली आते हैं और कुछ यूनिक ऑफबीट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो कोठी विलेज से बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बहुत ही सिलिक के गांव हैं, तो चलिए हमारे साथ कोठी विलेज के सफ़र पे। बात करें कोठी विलेज तक पहुंचने की, तो पहले आपको मनाली से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए पलचान पहुंचना है। उसके बाद आपको राइट साइड में सड़क जाती हुई मिलेगी, उस सड़क से आपको कोठी विलेज का रास्ता तय करना है। ये 14 से 15 किलोमीटर तक का सफ़र आपका बेहद ही खूबसूरत होने वाला है। आपको मजबूर कर देगा कि आप रुक रुक के अपने पिक्चर्स क्लिक करें, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे आपको मिलने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस हिमाचल की खूबसूरत यात्रा में। मैं अमित सिमवाल और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं बहुत ही ठंडी ठंडी वादियों से, जो कि हमको बहुत पसंद है। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं, एक ऑफबीट प्लेस है मनाली। अगर आप घूमते हो तो, अगर आप इस ऑफबीट प्लेस पे आते हो तो आपका मन प्रसन्न होने वाला है, मन खुश होने वाला है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो है कोठी विलेज। कोठी विलेज हम जा रहे हैं, जो कि रोहतांग पास हाईवे पर पड़ता है, और ये है कोठी विलेज का साइन। तो हम अभी अपनी जर्नी पर निकले हैं, और गाइज बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट बनता ही बनता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कोठी विलेज। देखिए आपको इस वजह से धुआं जलते हुए दिखेगा, जो कि इनके घरों के तंदूर से आ रहा है। मींस टेम्परेचर तो मनाली में ही कम रहता है, बट कोठी विलेज में कुछ ज़्यादा ही कम रहता है, ठंडा रहता है यहाँ। तो लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ही सारी लकड़ियाँ, आपको दिखाएंगे हम, सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि ठंडियों में जलाने के काम आए और जो घर है वो मतलब गर्माहट बनी रहे। उसके अलावा जो ये देखिए, हर एंगल से आप माउंटेन के व्यू देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लकड़ियाँ सारी इकट्ठा कर रखी हैं। भाई मैंने आपको जैसे बताया कि तंदूर जलाने के लिए और गर्माहट लेने के लिए ठंडियों में, फिलहाल तो अभी भी ठंडा हो रखा है। और ये देखिए गाय, हर घर में आपको गायें दिखेंगी, और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। एरिया विलेज है एक तरफ से, बट काफ़ी घर तो हमें बढ़िया लग रहे हैं, और काफ़ी घर पुराने पुराने मतलब ओल्ड ही लग रहे हैं। तो थोड़ा घूम रहे हैं हम भी विलेज यहाँ ना, विलेज में काफ़ी सारे हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, और कहीं वो पता नहीं, बट यहाँ विलेज में काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ से जो सामने का नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। गाइस अगर मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा नज़ारा, अल्टीमेट मतलब देखते ही वाव, ऐसा स्टनिंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेस है। मतलब नज़ारों की आदत तुम्हें बन गई है, बट हर विलेज से ना जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आपको खेत भी दिखेंगे, यहाँ पे लोगों के खेत हैं, यहाँ पे गाय सब मतलब बांधी हुई हैं, ये घर है, और ये चारों तरफ यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया पेड़, बर्फ़ का माउंटेन, मतलब पूरा एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस है। अगर आप आराम से यहाँ पे रहना चाहते हो, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा ही शांति एक्चुअली। तो देखिए चारों तरफ का व्यू आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे कि आपको पता है हम कोठी विलेज घूम रहे हैं, तो वो सामने अगर आपको दिख रहा होगा, फोकस कितना कर पाएगा आई डोंट नो, बट अंजनी महादेव ना यहाँ से दिख रहा है, जहाँ हम होके आ गए हैं तो यहीं से वो अंजनी महादेव दिख रहा है, और पूरा बर्फ का वो ऐसे पूरा रास्ता बनते हुए ना, मतलब ये सीन ना अच्छे भी लग रहे होते हैं, कई बार ये सीन बहुत डरावना टाइप के भी लगता है। और चारों तरफ का व्यू ना गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखिए मेरे पीछे जो बर्फ़ में चलने वाला स्कूटर है, बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी, उसको मतलब ढक रखा है। मीन्स यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है कि कुछ और नहीं चल सकता, सिर्फ यही चल सकता है, या फिर 4x4 चलता ही है। तो देखिए ये यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा।
आई होप आपने देखा हो हमारे जरिए। वही हमने भी जब मतलब ये गांव घूमे ना कोठी गांव, तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे जैसे दो मंजिल है, तो एक मतलब नीचे की उसमें पशुओं को रखा हुआ है, मीन्स गाय को रखा है, और ऊपर की उसमें अपना रहते हैं, और उसके अलावा चारों तरफ का जो व्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा औसम है। हम कहते रहते हैं अपने ब्लॉग में कि औसम है औसम है, बट लिटरली यहाँ पे आके ना एक अलग तरह की खूबसूरती है, मतलब इस खूबसूरती का ना कोई मैच नहीं है, बिल्कुल अपर लेवल की खूबसूरती है चारों तरफ से इस गाँव की। और हम देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें आराम शांति मिलती जा रही है जितने भी हम व्यूज़ देखते जा रहे हैं मतलब। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो गाइज लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है तो इसमें इतना मतलब खर्चा वर्चा तो कुछ होता नहीं है, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो करते हैं कमेंट और शेयर या जो भी मतलब करते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।